कैसे हैं सब जी? ओके बर्जी। स्वागत है हजरत, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, ये केबी है और कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के संग आप देख रहे हैं सुपर पावर। केबी आज आप बड़ी प्यारी लग रही है। बच्ची ये तो रोज की बात है अब तो। बाय द वे आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये आज की बात है। बच्ची मुझे आज एक जोक सुनाना है। आपने जोक सुनाना है? जी जी। हाँ सुनाइए सुनाइए। Why did the clown go to the hospital? Why did the clown go to the hospital? I don't know. Because he was feeling funny. हजरत आगे अपना शो बढ़ाते हैं। आज का हमारा शो बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि यहाँ ब्यूटी और सेंस ऑफ ह्यूमर का डेडली मिलाप होने वाला है। पर जी ये कौन मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को चैलेंज करने आ रहा है? अरे आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को कोई चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन आज आपने अलर्ट रहना है क्योंकि आज वसीम अकरम का रिवर्स स्विंग, वकार यूनस का बनाना यॉर्कर और शुएब अख्तर का किलर बाउंसर, हर वैरायटी चलेगी। आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। मुलाहिजा होशियार तशरीफ ला रही हैं, कहकहों की मलिका और हुसन की रानियां, प्लीज वेलकम आयशा जहाजेब एंड हिना न्याजे। यार मतलब वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? मुझे तो लग रहा है कि मैं आज मॉर्निंग शो में आके बैठ गया हूँ। मेरी ये सहेली और मेरी ये सहेली दोनों आके बैठ गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप दोनों को बर्जी से मिलके तो बड़ी खुशी हो रही होगी, बड़ी फखर की बात है, लेकिन आज मैं इन दोनों से पूछना चाहूंगा आप दोनों को एक दूसरे से मिलके कैसा लग रहा है? हमें बाजी से मिलके बड़ी खुशी हो रही है। बाजी लग रहे थे आप यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल, मैंने कहा जैसी कंपनी वैसा माहौल। भाई देखिए आप दोनों एक दूसरे को पहली दफा मिल रही हैं। नहीं नहीं हम बहुत अच्छी दोस्त हैं भाई, और अभी हम रिसेंटली मिले थे और मुझे ना फारिग बट लग रहे हैं क्योंकि हम दोनों में से कोई भी मॉर्निंग शो नहीं करता। अच्छा चले अल्लाह करे आपको मॉर्निंग शो मिले। मतलब जो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आप दोनों को वेलकम कर रहा हूँ। जैसे सौदागर मूवी में राज कपूर और दिलीप कुमार को इकट्ठा किया था, जैसे गुलाब गैंग में माधुरी और जूही का संगम हुआ था, आज आपने आयशा और हिना को इकट्ठा करके हमारा दिल बाग बाग कर दिया है। वाह वाह, किस किस्म का लड़ने का बादशाह बिठाया है आपने? तुसी की चांदे हो कि ऐसी अनारकली दा बादशाह बिठाई है, लड़ने दा ही है क्या? हद-ए-अदब, आयशा और हिना को शाही महल में बिठाकर खुद को जिंदान में कैद कर लो। ले, आप दोनों को शीश महल में और खुद और मुझे जिंदान में, आप पता है इनके पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है। कोई आपका कोई चौकीदार होता तो आप कहते ना कि उठो बट को लेके जाओ जरा जिंदान में, जिंदा दफन कर दो, फिर तो समझ में आती। ऐसे खो ऐसे। अच्छा भाई आप दोनों आए हैं माशाल्लाह, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं आयशा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये बड़ी मजेदार वेट जर्नी है और मुझे लगता है कि जो भी स्पेशली सुपर ओवर में आता है वो अपना वजन पहले से ही कम करके आता है। जी जी। ये हम लोगों ने नया ट्रेंड शुरू किया है आप ही? नहीं नहीं, आप भी तो इतना वजन आधा अपना आप निकाल के आए हैं ना यहाँ पे। ऑब्वियसली भाई अब आप क्या करें, ये जो ट्रेंड है जीरो साइज का उसका कुछ तो करना है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि हेल्थ के लिए वेट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। आपके जॉइंट्स, आपकी बॉडी इटसेल्फ स्टार्ट्स वेयरिंग डाउन, एंड इफ यू हैव टू स्टे यंग एट हार्ट यू नीड टू स्टे Young on of your course, way. darling, you have to stay young at heart. और है ना माशाल्लाह जब से आपको देख रहे हैं आप ऐसे ही हैं। और मुझे तो ये भी पता लगा आप बहुत बड़ी फूडी भी हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी खाती हूँ फौरन से हजम हो जाता है। तो माशाल्लाह पानी भी लग जाती है, जलने की बू आ रही है। जो कि
लार्ज पिज्जा ऑर्डर करती हैं और उसके बाद कहती हैं भरा जरा डाइट सोडा ले आना। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी ख्वातीन ही कोई तकरीबन इस किस्म की हैं कि डाइट सोडा उन्होंने लाजमी पीना होता है। पीना होता है, वैसे वो दिल की तसल्ली होती है ना, कितना कुछ खा के। ग्रीन टी, वैसे ग्रीन टी दिल के बहलाने को ग़ालिब ख्याल अच्छा है। बट आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड विद दिस। मैं जितना भी खाती हूँ मेरा वजन ही नहीं बढ़ता। जी माशाल्लाह, इनको और सलीम अलबेला साहब को है, ये जितना खाते हैं सिर्फ दीवार को लगता है, इनको नहीं लगता। बट जी आपने तो कप्तान की तरह जर्मनी और जापान का बॉर्डर जॉइन कर दिया है। अच्छा भाई, मैं एक ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब पूरी एक वेट लॉस जर्नी शुरू होती है तो वार्डरोब के अंदर कुछ लिबास ऐसे होते हैं, बंदा कहता है जब मैं पतला होऊंगा ना ऐ मैं पाऊंगा, तो कितने ऐसे लिबास हैं जो आपने अभी चूज किए हुए? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं अहमद, मेरे पास ना हर साइज का, मैंने जितना वेट पुट ऑन किया है देन पुट ऑफ किया है, हर साइज के ड्रेसेस पड़े हुए हैं। अच्छा तो मैंने अपने आप को ना गेज किया हुआ है कि अब मैं इस स्टेज पर हूँ तो मैं ये वाला वार्डरोब यूज कर सकती हूँ। सो जो ज्यादा मोटापे वाले वो मुझे पता है अब आई वोंट बी गोइंग बैक टू दैट। अच्छा मैंने अपनी वार्डरोब में ना एक साइज के बाद कुड़ुक्की लगाई है कि अगर मैं यहाँ गया तो ना आप बताएंगे, ऑब्वियसली बात है, आपने अपनी अम्मा के कितने वार्डरोब्स के ऊपर कब्जा किया हुआ? आई थिंक बहुत सारे ऐसे हैं जो महंगे महंगे उनकी शादी के टाइम के जोड़े थे जिनके ऊपर दबके का काम हुआ हुआ है, मुल्तानी कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं, वो सारे मेरे पास हैं, वो शॉले, वो सारी चीजें मैंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं और बहुत पहनी हुई है और फौरन से खाला ने ये भी बोल दिया है। दूसरों के ब्याहों पे पहनी है या अपने ब्याह के लिए? दूसरों के ब्याहों पे पहनी, अपने ब्याह के लिए भी रखा हुआ है और जैसे ही पहने खाला और फुफियों ने ये बोला है ऐसे आमना तो जोड़ा नहीं पाया तू। हाय अल्लाह, होती नजर लगाने के लिए ऐसे और तुम ऐसा नहीं, वो कहती तुमने। अच्छा बाय द वे बट साहब भी इस वक्त फुप्पी लग रहे हैं। इन्होंने तो बट्टा दे दो। बट जी आज तो आपकी बहुत थोड़ी है। जब दो फप्पे कुटनियों में उनके बैठ जाती है ऐसा ही होता है। Wrong point. नहीं नहीं मैंने तो कहा भाई हमारा शो तो आपको पता है सुपर ओवर के अंदर तो यॉर्कर भी आते हैं, बाउंसर भी आते हैं और कभी कभार नो बॉल भी होती है। अच्छा माशाल्लाह आप दोनों फिनोमिनल होस्ट हैं। थैंक यू। आफ्टर मी ऑफ कोर्स। और आप लोगों का लाफ्टर जो है वो किसी भी कॉमेडियन की कॉमेडी के ऊपर जिस तरह फिरनी देते चांदी का वर्क लग जाता है इसी तरह एनहांस कर देती हैं। तो ये लाफ्टर की रियाजत होती है या नेचुरल है? अच्छा Speak about myself, मुझे अक्सर जो फैंस मिलते हैं ना बाहर कहते हैं वो जैसे शो में हंसती है ना वैसे हंस के दिखा दें। अब शो में एक प्रॉपर माहौल होता है जिसमें कॉमेडियंस अपना काम कर रहे होते हैं और एक कॉमेडी का एक उसूल है या आप समझें ये उसका एक दर्स है कि अगर आप उसकी जुगत पे हंसेंगे नहीं ना जेन्युइनली दिल से एक्शन रिएक्शन तो वो बेचारा कॉमेडियन तो मर जाएगा। अच्छा क्या मैं अच्छा इनको देख के हंसी आती है? इनको देख के तो सिर्फ रोना आता है। बाखुदा हम ये फैसला नहीं कर पा रहे लाफ्टर के मामले में आपको ब्रिटनी होस्टन या मैडोना की तशबीह दें या लता आशा का खिताब दें, क्या दें? ये कहीं गलती से फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, 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 मेरे पास चप्पल है इन्हें हम अपने लेजेंड्स को अपने लोगों के साथ तस्बीह क्यों नहीं देते भाई, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? अच्छा हिना से भी पूछे ना कि ये लाफ्टर कैसे देती है? जी जी वहाँ आ रहे थे मगर आप असल में बोलती बहुत है। आयशा ने भी बताया कि पूरा माहौल बना होता है, कॉमेडियंस होते हैं, वो झुकते आ रही होती हैं, तो लाफ्टर भी उतना ही दिल से आ रहा होता है। आई थिंक दिस कम्स नेचुरल। आपका
आपका जोड़े का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू वेरी मच ना, आप जैसी है भी तो कोई नहीं ना। बात ओनली है ना। मगर आप लोग कौन है? एक्सक्यूज मी बट जी, ठंडे चावल शौक नाल खाना लिया। मुझे देख के तुम्हारे डेले पता क्यों पाट गए? क्यों? वो इसलिए कि तुम सोच रहे हो जिसको मैं अपने घर टीवी पे देख देख के, जिसके लाफ्टर सुन सुन के मैं मेरे मुंह चो चग निकल आंदी सी, आज वो मेरे सामने खड़ी है। Oh my God, she's not coming slow. Oh no. What is your name? My name is Natasha Jahzeb. जी, what is your name? आहिस्ता लोधी। आहिस्ता लोधी। ये बहुत ही आहिस्ता लोधी। आहिस्ता लोधी। इनका भी एक मिनट, ये इनका भी इंट्रोडक्शन करा दे। हम दोनों होस्टिंग करते हैं ना, ये हमारा कूलर है। और इस कूलर का फायदा है? इसके अंदर हमारा लीमू पानी होता है। गर्मियों च जितना मर्जी लीमू पानी पिए, सर्दियों च इहदे च असीं उबले अंडे बेच लैंदे। आपका नाम क्या है? मैं हूँ मिनी होस्ट, एकदम सुंदर, एकदम प्यारी, सना न्याजी, सना न्याजी। आयशा जाज़ेब, नताशा जाज़ेब, मुझे लगता है यहाँ कोई खिचड़ी किसी बट में पकाई है। नहीं जी, मैं खिचड़ी नहीं, मैं पुलाव बनाता हूँ। है ना, आपकी कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई कोई बहन तो नहीं? वैसे जो इनके फीचर्स है ना, वो अहमद से मिल रहे हैं। आपको अंदाज़ होता है कि हिना की आंखें कितनी कमजोर हैं। पर जी, आपको पता कि आपके शो का आज रिकॉर्ड टूटने वाला है? मैं तो हर चीज तोड़ देती हूँ। अभी रास्ते में मैंने पहले सिग्नल तोड़ा, फिर एक आदमी का दिल तोड़ा। और भाईजान ने आते हुए इसे कहा, अच्छी नहीं लग रही, इन्हें उन्होंने दंत तोड़े। तो मिनी होस्ट, आप भी तो कोई अपना दावा करें ना। मेरा शो लोग वर्ल्ड कप का फाइनल छोड़ के देखते हैं। फीफा वाले इसके पीछे पड़े हुए। क्यों? हाँ जी, फीफा वाले भी और शीफा कढ़ाई वाले भी। क्यों? ये औंतरी अद्धा किलो कीमे का आर्डर दे के तो टेबल दे थलो ही निकल जाए। इसका शो आपने देखा नहीं है? गेस्ट को बुला के उड़ना शुरू कर देती है। हाँ, ये ड्राउन होस्ट है। अरे भाई, एक तो आप होस्ट है और एक ये होस्ट है, इनको देखें, इनसे सीखें। आप लोग भी तो माशाल्लाह इतनी टॉप की होस्ट है, इनको क्या नसीहत देंगी? सबसे पहले मैम जी, जी जी प्लीज प्लीज, पहले आप, पहले आप, पहले लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले तो इनको अपना स्टाइल सेंस इंप्रूव करने की बहुत शदीद जरूरत है। यस गर्ल। और ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सा इन्होंने जो है ना कॉस्ट्यूम पहना। अच्छा, और बालों को मैं थोड़ा स्टाइल चेंज करना चाहूंगी, जो फेस कट के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। एड्डा वड्डा मुंह ते नाल जुड़ा भी बना ले। असल में हम बालों में शैम्पू कर दी, ये चाय के साथ होती है। पहली बात तो ये हिना, जो आपने इनके ड्रेस की बात की है, हाँ जी, 91 में जो इन्होंने पहली तलाक हुई सी, उदों दा सूट। पहली तलाक तो बाद चलाक हो गई। हुण कहंदी है 31 च जदों मैनू आखिरी तलाक होएगी मैं उदों लाना। मिस जहांज़ेब का मुझे फैशन सेंस भी अच्छा लग रहा है, इनके शेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब शो हम उस तरह से देखेंगे जब ये कुछ कंटेंट के हिसाब से, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू कमेंट। कंटेंट तो हमारा बहुत अच्छा। अच्छा, रियली मजा आएगा। मैं तो आपको इनविटेशन देने के लिए आई हूँ अपने शो के लिए ना। अच्छा, आयशा आपको भी और हिना आपको भी। अच्छा, आपने मेरे शो में आना है। आपने पिछली दफा देखा होगा कि मेरे शो में मैंने ना अपना वो कोबरा को मैंने बोसा दिया था। मैं एनाकोंडा ला रही हूँ, कहीं का कोंडा और एनाकोंडा। एनाकोंडा है तो शो चाहने की खातर बेचारा रोटी नहीं खा रहा, सिर्फ हैपीटाइजर खाई जाए। अच्छा मिस जहांज़ेब, बात सुने दायरे से निकलने में एक लम्हा लगाती है। मिस जहांज़ेब, आप किस टाइप का, किस जॉनर का शो करती? अच्छा, पहली बात तो ये आयशा जी, मेरा शो चलता है रात 11:05 पे। अच्छा, हर न्यूज चैनल पे। ओके। उसमें मेरे लेफ्ट साइड पे डूम ढाड़ीज बैठे होते हैं। और हमारे स्लॉट के सामने वाले स्लॉट पे नजम सेठी साहब अपनी चिड़ी दे नाल लोगों को बोर कर रहे होते हैं। तो उसमें आप क्या कह रही होती है? अपने शो में हाँ। मेरा कोई इतना काम नहीं होता, मैं हर गलते सिर्फ दांदी कटने होते हैं। खा खा। आप कह रही है कि आपका शो हर न्यूज चैनल पे चलता है? ऑफ कोर्स।
आपका शो है कि कीड़े मार दवाई का एड है? बरदार अगर किसी ने दवाई छिड़की हमारा कीड़ा मर जाएगा। खाली कीड़ा नहीं मरेगा, मैंने डारे नाल सुंडी भी ना जा। मुझे लग रहा है इनको मार पड़ जानी है। आप क्या अमरूद का कीड़ा लग रहे हैं आप? अमरूद खाती है आप लोगों ने अपनी तोपों का रुख बेचारी किरण की तरफ कर लिया। जी केबी को कुछ कहते ही नहीं, उसका ड्रेस देखो लगता है प्ले ग्रुप के बच्चे ने किधर कंध ते लकीरा मारी है। कौन सा फैशन है? कराटे खेलने वाले कपड़े पहने हुए। आशा और हीना खबरदार, मेरी बाजी को बात किया। बाजी को बात की तो आपको थ्रेट कर रही है वो। अच्छा क्या हो जाएगा अगर बात करोगी तो? भंगड़ा डालूंगी मैं। चले फिर डाल, साडी सजा दे तू, साडा उर्स रखन दे। मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ते तेरे उत्ते चाह बना लड़ी। वैसे आग तो आपको पहले काफी लगी हुई है। आशा और हीना जी, बाजी मोटी लड़की कौन है? ये मोटी है, ये अगर मोटी है तो फिर पतली कौन सी होती है भाई? हमारी बहन की आंखें बिल्कुल खराब है, मोटी लग रही है। सिरप लेना खांसी वाला, इस तरह का चम्मच निकलता अंदर। मेरी इनसे लड़ाई हो जाएगी कि आपकी बहन की आंखें भी खराब है और दिमाग भी खराब है। नहीं, हमारे साथ है, हमारी बहन नहीं है। हमारी फैमिली का ऐसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। हमारे खानदान के सारे प्रिंट बहुत अच्छे आए हैं। खाली आंखें और दिमाग खराब नहीं है, ब्यूटी तो भी आपने देखी नहीं। रियली? वो तो दिखाना ही खराब हो जाते हैं। घर जाके जब मेकअप उतार देना सारे कीड़े बाहर निकल जाते हैं। क्यों? ये असल मालिक आ गई। हमें हॉलीवुड की झलक दिखलाकर एकदम साउथ इंडिया क्यों ले गए हैं? अरे बाखुदा मैं तो खुद हैरान हूँ। आप बताएं कि आपके मॉर्निंग शो का क्या नाम है? वेख वे दिन चढ़िया के नहीं शो काटते सिचुएशन ज्यादा लग रही है। अच्छा भाई आपके नाइट शो का क्या नाम है? उस रात की सुबह नहीं। अरे वाह वाह वाह, वाकई। और आप किस टाइम पे शो करती हैं? जब ये दोनों थक जाती हैं तो फिर मैं शो करती हूँ। 500 रुपया रखो और कहो शो करो, ये कहती दो बादशाह। जिसे को 500 नहीं भी होता ना वो तीन यके बखा के जीती जाता है। इतना भी हार जाती है। ये कौन है जिसने मेरा टायर कॉपी किया? बेटा वो जो टायर है वो पंक्चर है। और मैं आई एम द रियल डील। यस सर। ये देखो टायर है ना किसे गड्डी दा नहीं। हां एड्डी को छोटी नाल मल्ले च लगी हुंदी। कादिन आजा डोंट गो एनीवेयर। आयशा से हम लोग गाने भी सुनेंगे और हिना से हम सिराइकी के अंदर जरा डायलॉग्स भी सुनेंगे। डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं सुपर बड़ी आई है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं सुपर। शोएब अख्तर की स्पीड 161.3 है लेकिन आज हमारे शो की स्पीड 171.8 है। थैंक यू, फाइनली बट साहब ने हमें किसी चीज का क्रेडिट दिया, एडमिट कर लिया। तीनों हजरात माफी चाहता हूँ, सवा तीनों हजरात
गौर से देखे इन चेहरों को, मत देखिएगा आंखें खराब हो जाएंगी। इस औरत को देखिए जिसका मियां बिला वजह कारखाने में ओवर टाइम करता है कि घर जाना पड़ेगा। इस औरत को देखिए गौर से जो छाती वाले पंखे पर चढ़ के मियां से कहती अब क्या कर लेगा, अब क्या कर लेगा। इस औरत को देखिए जो शादी वाले दिन मियां से कहती है मैं कुछ चाहती हूँ, मियां फौरन तलाकनामा निकाल के देता है, ये पकड़। इस औरत को तो बहुत ही गौर से देखिए, दिखती नहीं है। ये वो औरत है जिसने दामाद के साथ मिलकर अपनी बेटी को कत्ल करवा दिया है। ओए होए होए, और बहुत भयानक कत्ल, अपना मोजा सुंघा के मारा तूने उस औरत। आयशा ये वो आदमी जो इन तीनों औरतों का भाई है। और छाती औरत है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। ये दो औरतों को ही पहचान लीजिए। जी जी जी, पहचानते हैं सब लोग। जनाजे में नहीं बुलाता, कभी भी हंस पड़ सकती। मैं इस औरत से पूछना चाहता हूँ क्यों कत्ल किया तुमने, क्यों कत्ल किया, और बताती क्यों नहीं, जुए में शौहर को हारने वाली औरत। जुए में शौहर वो इसी काबिल था। कंफर्म है शादी शुदा नहीं हूँ। तेरा खाना खराब हो जाए कैसे, तेरा परसों तक केलेर का मुंह बिखर। मेरी तुझे शादी नहीं हुई, मैं तुझे गैर शादी शुदा, मेरी तुझे मंगनी भी नहीं हुई, बल्कि मेरी तुझे गाल भी नहीं चली। नाज़रीन ये है वो औरत जो जहाज के टायर में छुप कर आधी दुनिया घूम चुकी है। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, मैं तो प्राइवेट जेट पे सफर करती हूँ। उधर मरो चिंची की सवारी। और जो जहाज के टायर जो निकल दी है ना, फिर निकल के कहंदी भी है जिथे टायर उथे खैर। घर में बीमारी चल रही है, मैं वापस कर दूंगा। अरे वाह, आप मेरे शो पे बेइज्जती कराने आएंगे? बच्ची नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़, ये बोलती भी है। अच्छा बच्ची, ये वो क्राइम रिपोर्टर हैं जो पहले खुद क्राइम करते हैं और फिर उसको खुद ही रिपोर्ट कर देते हैं। पाशा सलामत जी, दूर भिड़े मुंह। आयशा जी, आप एक अच्छी टीचर हैं, हम चाहते हैं कि आप एक शाही ट्विटर बन जाएं और हमारे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारें और शाम की चाय पर मेरे साथ हम आवाज होकर गाएं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, देखेंगे आप। अच्छा हम तो देखेंगे, पर आपके न्याणों को मैंने ट्यूटर नहीं करना, सॉरी। आपने इसके न्याणे देखने, इसने करके हालात देखने। अच्छा, आपकी सल्तनत टोटल इस कुर्सी जितनी है जिस पे आप बैठे हुए हैं, तो आपका तो ये जेब ही नहीं देता कि आप मुझे कोई भी चीज ऑफर करें। इसका एक मरले का महल है, इसके अंदर बकरी फंस के गुजरती है। बाकी एक मरले का महल है और जिड्डा बादशाह है ना, जो शाही हमाम च जाता है फिर लोग गाते ने हम देखे। हिना किस उम्र में आप मियां वाली से लाहौर आई? आई थिंक मैं 15 साल की थी जब मैं मियां वाली से लाहौर आई और यहीं की होके रह गई। और अब तो बहुत कम जाना होता है मियां वाली में, ईद वगैरह हो या कोई इवेंट हो ऐसा के जाना पड़ जाता है, वरना लाहौर ही हो चुकी हूँ। तो जब आप मियां वाली जाती हैं कमीज तेरी काली पाती मतलब या वैसे ही चली जाती हैं? मेरे भी मियां वाली वेनिया कमीज काली भी पहनिया ते और भी बहुत सारे रंग मेरे में बहुत चंगे लगते हैं, वो भी पहनिया, बहुत शौक नाल पहनिया। ना तुम खुश नसीब हो, तुम मियां वाली हो, मेरा मियां तो लंदन से नहीं आ रहा। देखिए हिना कितने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि अब तुम्हें लाहौर की होके रह चुकी हूँ, शुक्र करें आप लाहौर आ गई हैं, नहीं तो जो तो मियां वाली होती थी दोपहर ही मां नाल जिद करती थी अम्मा मैं धुप्पे बह के दुहाना खावना है। हिना जी, आपका सराइकी बोलने का अंदाज बहुत कमाल का है, क्या आप सराइकी में कोई गीत ही सुना दे? शुक्रिया के तुसना इतना अच्छा मिन कमेंट देता है, लेकिन मैं तो उर्दू दे विच ही ना चंगा गांधी, अगर मैं सराइकी गाया तो लोगों ने कना दे पड़े फटवे सुन, मैं कहीं ना चांदी इन्हें सोने शो दे विच ऐसा बैठिया इनिया सोनिया गल्ला पईया सीनियर में चाहनी कि मैं कोई शो दे बारे गल करा या मैं कोई ऐसा खान तो सुनवावा चाहे मेरे साथ सारे सुन के समझ सकन, अहमद नु तो कुछ समझ नहीं पई आंदी ऐसा अपना शो चक्कर इनिया वान के बारे में। क्या है तुसी सराइकी च गाना गाड़े हो, उन्हां दी फरमाइश है खुद बलती है तो आपको करना पिया कि सराइकी च गाना कोई जुबान
गाना किस तरह के भाई, आप खुद गाना सुना दें। गम तू साथ खुशी तू साथ गम तू साथ खुशी तू साथ मेरे नाल कोई संग करे, मैं गाई घिनसा। चलो मैं गा संग करे सा ओ गाना भी आवड़ा चाहिदा है ना तुम्हें। आपके साथ मिल जाते चार बसुरे मिल जाए ना तो एक अच्छा बन जाए। पहला पहला प्यार किसे नु नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुश खुश रुलदा। आपके कोई हिडन टैलेंट्स हैं? बड़े हिडन टैलेंट्स हैं, मैं सारे तो नहीं बता सकती। तो आपको भी गाने का शौक है? बात सुने, गाने का शौक क्या होता है? बल्कि मैं भी गुनगुनाती हूँ। गुनगुनाती नहीं हूँ मैं, कॉलेज में कनेड में मैं अपने अपने क्लब की म्यूजिक क्लब की पहली प्रेसिडेंट। लेकिन अब एक लंबा अरसा हो गया कि मैंने कुछ नहीं गाया, तो इसका मतलब है कि आज हो जाए फिर है? आज बाजार में पाव जो ला चलो चश्मे नम जाने शो मशहूर जमाना वेदर गर्ल। अच्छा वैसे अगर एक कैंडल इनके हाथ में दे देना तो ये ओपरा वाली। आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। बट जी आपने तो सब होस्ट इकट्ठे कर लिए और वेदर गर्ल क्यों क्यों भूल गए? किसी ने टायर को आग लगा दी है। जैसे जैसे जलन होती है करता है। नहीं नहीं ये मैयतों पे रोने जाती है। आज लाहौर में 45 और सज्जे खब्बे 50 डिग्री गर्मी पड़ रही है। अच्छा मैं क्या एहो जी वेदर गर्ल जो भी मौसम का हाल दसती है ना तो उत्ते बिजली जरूर डिगदी होती। आज शुमाली एरिया में बर्फ पिघलती रही मैं ठहर गई। शादी होती है ना मियां फोन करता थाने में प्लीज मेरे घर पे छापा मारे। और तौबा औरत लग ही नहीं रही, लग रहे कां दे उत्ते बाल रखे। आज ताजा खबर आई है मालव जफा की तरफ कोई ना जाए, क्यों रस्ते ब्लॉक हो चुके हैं, बर्फ जम चुकी है। मोरे अंग लग जा बाल मां उसे कसम उठवा ले इसके गले में एक एक्स्ट्रा सुराख है। गाने वाला हो रहा है ऊ वाला लहदा है। Ladies and gentlemen, don't go anywhere. We'll be right back after a short break. You are watching Super Over. इसमें आप लोग guess कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? नहीं नहीं आप तो हैं ही नहीं इसमें, इसमें तो सारे ये हैं। ये सारे इसका chorus हैं। And
वेलकम है खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खवातीन और हजरात, ये हम लोग तस्वीरें देखते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि कब, कहां, कैसे और क्यों। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। ओए खवातीन और हजरात, ये वो नजारा होता है जिसकी वजह से कनेट कॉलेज के बाहर हम जैसे लौंडे खड़े होते थे। पता नहीं कहां से इनको मिल गए, क्योंकि ये कहीं मैंने पोस्ट नहीं की हुई, कहीं पे है नहीं। कॉलेज से उठाई होगी, कॉलेज से मे बी। आप बोल रही हैं कि केबी भी कनेड की है। अच्छा भाई मुझे बताएं, इनमें से आप कहां हैं, आप लोग कहां हैं? हिना के जो बिल्कुल चेहरे के ऊपर दायरा लगा हुआ है ना, ये मैंने लगाया। अच्छा इस फोटो में मैं भी हूँ, आप कहां हैं? ये सात खिड़की है ना, उसके पीछे खड़ी थी। जब कनेड में फेवर होता है तो बड़ा फेस्टिव सा माहौल होता है और माशाल्लाह ये सारी कुड़ियां तैयार होके फेयरवेल दी फोटो खिंचवाई हैं। आप लोग फेयरवेल पे क्या करते हैं? मैं असल में पढ़ी हूं मुल्तान यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पे जब हमारा फेयरवेल हुआ ना तो वो सराइकी में कह रहे फेयरवेल बात करे सो। हमारे वहां पर इस तरह की फोटो तस्वीर नहीं बनती ना। अच्छा, हमारे हलीम की देख बनती है, छह छह नाम दे के सब पंगा डाल के घर निकल जाते। जी आपके फेयरवेल पे क्या हुआ था? अच्छा ये फेयरवेल नहीं, किसी अंग्रेज का जनाजा जा रहा है ना। आपने फेयरवेल पे फिर क्या किया? अच्छा ये पहली बात की ये फेयरवेल की पिक्चर नहीं है। Exactly. एक क्लास लंच था हमारा, उसकी पिक्चर है। लिटरेचर का बैच था जो हमारा, अंग्रेजी लिटरेचर का, तो ये okay. सारी मेरी फ्रेंड्स थी। हम लंच से पहले अपनी टीचर्स के साथ हमने बैठ के एक तस्वीर बनवाई है और दिस पिक्चर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी टीम को ये क्रेडिट देना चाहूंगी कि भाई क्या इंटेलिजेंट, कहाँ से ये तस्वीर ढूंढ निकाली है। Incredible. वैसे ही ना बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you. बिल्कुल छोटा जा खरबूजा लग रही है। अच्छा यहाँ की एज क्या थी? यहाँ ना बताएं, हैं चुटी कहीं दी है। इस बार छोटी किस बोल नीचे? सोला। हाँ नहीं नहीं यहाँ 12 की। 19 पट्टी लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। अरे और की नंबर पूछो। राधी राधा की तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कंफर्म हमारी नहीं, ये इन्हीं की है बगैर मेकअप की। इसमें आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? नहीं नहीं आप तो हैं ही नहीं इसमें, इसमें तो सारे ये हैं। ये सारी इसका कोरस है। अच्छा मेरा ख्याल है ये लिखा भी हुआ है हैलोवीन स्क्वाड। तो ये हैलोवीन के ऊपर लोग अपना चेहरा बिगाड़ते हैं इस तरह का, और माशाल्लाह आप तो रोज करते हैं ये। मैंने पहचान ली है इसमें, बाकी हिना है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन सी है, ढूंढो खुद, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। मैं बता नहीं, सकता नहीं, ये तो मेरे साथ थी तब। वो कोने में, कोने में, वो कोने में ऊपर, कोने में, मैं हूँ खुश रंग हिना, वो कोने में लेफ्ट। आप कह रहे हैं कि लेफ्ट पे, लेफ्ट से लेफ्ट ऊपर। कितनी प्यारी चुड़ैल बनी हुई है, इधर बनता है। तूने ऐसे मुझे सताया जैसे किसी चुड़ैल को सताया, पीछे पड़ गया रे कमीनी तेरा, चढ़ गया रे। Oh my God. जी केबी आप क्या कहती हैं कि कौन है इसमें हिना? That left one. हिना सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या इस वक्त क्या सूझा था? ये मैं बताती हूँ, हमारी हॉस्टल हेलोवीन थी ये। okay. और सबने प्रॉपर कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ बना था, तो मैं ब्रोकन आई डॉल बनी हुई हूँ यहाँ पे, और इस मेकअप को करने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। और बड़ी वो डिटेल्स है, क्योंकि उतनी अच्छी क्लोजली वो पिक्चर नहीं ली हुई। ये सारी मेरी फ्रेंड्स थी हॉस्टल की, जिनमें से अब कुछ कतर में होती हैं, कुछ यूएस में होती हैं, लेकिन बहुत मेमोरेबल ये एक हॉस्टल। आंख पे तो बहुत प्यारा बना हुआ है ना, जो नीचे वाली लड़की की नहीं गोल सा ब्लैक बना हुआ आंख पे, लग रहा है जो मैं चिकड़ा लगे गेंद बजा कर। और इस लड़की के जो ये साइड पे है माशाल्लाह, इसके होंठ बहुत लंबे हैं, कान से बातें कर रही है। मेरी ये फर्स्ट कजनानी। अच्छा हाँ जी। मैं फुला किड़ी किताब नू, मैं केड़ा सबक परा, मैनू लगदा है बाया ए, मेरी लगदी बाया मां। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओए 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 क्या डोंट जंप भागो। ओ माय गॉड भाई, ये धमाका कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? ये हिरोशिमा वाला बम तो नहीं था कहीं? अच्छा भाई बहुत ही आपके जो मतलब टीम मेंबर्स है ना, गला दबाने का दिल कर रहे हैं। इट वाज बेसिकली अ हीलियम चैलेंज। अच्छा। और ये दिस वाज एडिटेड बाय माय डॉटर, शी सेड मां अब ये ऊपर चला गया। मैंने कहा रुको मैं पकड़ के ना, तो आई विल जस्ट जंप।
तो ये रैंडमली हुआ। अच्छा क्या बताया, जब आप कूदी थी माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है, वहां से तेल निकला। गौदी रजाद अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आए वेरी नाइस, ओह माय गॉड, क्या ये डांस हो रहा है यार, एक सेकंड, क्या जोड़ा है, प्रोड्यूसर से मिलना है, मैंने उसका गला दबाया। आप रिलैक्स, सिर्फ भी आपकी तरफ तो हम आई नहीं रहे। आपके ख्याल में डीजे यहाँ कौन सा गाना बजा रहा हूँ? छोरा छोरी चने के खेत में, अतले पुखाले भाई, अतले पुखाले भाई, तुझको कसम लगी, डगरे नहीं दनिश्ता, दड़ फूट की पान। जी सर आप बताएं। इसके बाद गाना खत्म हो गया। मुझे लग रहा है ये सेलेना गोमेज का है। बेटे ऐसे ले सेलेना गोमेज पैदा भी नहीं हुई होगी। वेरी फनी, ओके। ओह आई एम सॉरी, ये कोई आप तो नहीं है? जी ये मैं ही हूँ। तालियां। कजिन्स की शादी होती थी, कजिन्स की, फ्रेंड्स की शादियां होती थी। मलेदार की। मलेदारों का तो हम करते नहीं थे, लेकिन जितने भी रिश्तेदार थे उनकी शादियों पे मैंने खूब नाचा हुआ है। हाँ जी। तो फिर देर किस बात की खवातीनों हजरात, आन ढोल पड़।